नाउ मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन मॉलिकुलरिटी क्या होती है मीन्स नंबर ऑफ मोल्स या मोलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन जिसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस दे में भी एटम मॉलिक्यूल आयन ये कोई भी हो सकता है मॉलिक्यूल एटम आयन ठीक है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिज इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग पार्ट ओके ये शॉर्ट में मैंने बताया इसका डेफिनेशन आपको कि जितने भी रिएक्टिंग स्पेसीज है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है थीके? उसको बोला जाता है मॉलिकुलरिटी जैसे मैं यहां पर लिखता हूं एक रिएक्शन अमोनियम साइनाइट अमोनियम साइनाइट जिससे बनता है यूरिया एन एच टू सी ओ एन एच टू सो वॉट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज वन इट इज यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन मैं एक और रिएक्शन यहाँ पर लेता हूँ एच टू प्लस आई टू गेव टू एच आई दिस इज बायमोलिक्यूलर रिएक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएशन इट इज कॉल्ड बाय मोलिक्युलर रिएक्शन अभी हमने एक और एग्जाम्पल देखा टू मोल्स ऑफ एनो प्लस ओ टू गिवस टू एन ओ टू सो दिस इज अ ट्राई मोलिक्यूलर रिएक्शन ट्राई मोलिक्यूलर रिएक्शन ऐसे और भी हो सकते टेट्रा -मौलिकुलर, पेंटा पेंटामोलिकुलर जैसे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है आपको रिएक्शन का कौन सा है के सी एल ओ थ्री प्लस सिक्स मोल्स ऑफ एफ फेरस फोर प्लस एच टू फोर दिया है यह बनाता है के सी एल प्लस एफ ई कितने यहां पर सिक्स है तो ये बनाता है एफ ई टू थ्राइस दो एफ ई के साथ तीन सल्फेट तो तीन एफ ई के साथ कितने आ जाएंगे कितने सल्फेट बैलेंस करो इसको थ्री टू जिक्स थ्री थ्री नाइन चाहिए यहां कितना है सिक्स तो अपने को H2SO4 कितने लेना पड़ेंगे थ्री बराबर है ना क्योंकि यहाँ सिक्स एसओ है और ये थ्री थ्री सा नाइन है तो अपने को तीन और चाहिए इसलिए एच टू बढ़ा दिया ओके okay, यहाँ ऑक्सीजन कितना है तीन और एच भी कितना है तीन थ्री एच टू ओ तो यहां पर ये यह वन लिया है ये सिक्स लिया है ये थ्री लिया है तो सिक्स प्लस थ्री नाइन प्लस वन टेन तो ये क्या हो जाएगा डेका मोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ऐसे रिएक्शन यूनिमोलिकुलर बायमोलिकुलर ट्राई मोलिकुलर इस तरह से होते हैं ठीक है बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी हैव एनी रिलेशन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई रिलेशन नहीं है कोई रिएक्शन है जो दिखने में अपने को लगती है कि वो बाय बायमोलिकुलर है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी दो हो ठीक है इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं आपको याद है एस एन वन एस एन टू रिएक्शन में क्या हम लेते हैं टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस ओ एच माइनस गिव्स टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल के बी आर चला गया ओ OH एच आ गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दिखने में रिएक्शन क्या दिख रही है आपको बाय मॉलिक्यूलर लेकिन एक्चुअली इसका ऑर्डर क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये ऑर्डर कितना है फर्स्ट क्योंकि रेट सिर्फ किस पर डिपेंड रहता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देशन ऑफ टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड नॉट ऑन ओ एच माइनस क्योंकि टू स्टेप रिएक्शन था याद है आपको ओके okay. तो हमको रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा उसके स्टेप्स देखना पड़ेंगे कि किस पर रेट डिपेंड है उसके अकॉर्डिंगली हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है समझा आपको जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितने जरूरी नहीं कि उतना ऑर्डर हो सो so, मॉलिकुलरिटी क्या है इट इज द इट इज द क्या ये रिएक्शन इन विच इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स एटम्स आयंस जो भी रहेंगे वो कितने हैं ठीक है सो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस इन अ केमिकल रिएक्शन शोज मोलिकुलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन यहां पर एक इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल तो यूनिमोलिकुलर यहां दो है तो बायमोलिकुलर तीन है तो ट्राई मोलिकुलर लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड होता है जो हमने देखा जिस पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है समझा आपको जिसके ऊपर रेट डिपेंड होता है फिर उसके जो पावर्स है उनके जो पावर्स के एडिशन को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझा जैसे यहां मॉलिक्यूल्स तो आपको दो दिख रहे हैं लेकिन जो आप एक्चुअली जब रिएक्शन देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसमें दो स्टेप होते हैं और जिसमें रेट डिपेंड रहता है उस पर से हम क्या निकालते हैं ऑर्डर गेटिंग अब वहां हेडिंग में दिया हुआ था देखो उसको यूनी मॉलिक्यूलर याद है आपको ये इसको एस एन वन को क्या लिखा होता है यूनी मॉलिक्यूलर लेकिन वो मॉलिक्यूलर क्यों कहा था उसने इस स्टेप को मॉलिक्यूलर कहा था सी एच थ्री सी एच थ्री सी ये कौन है बी आर क्या बनाता है सी एच थ्री सी सी एच थ्री ओ एच माइनस सॉरी अभी यहां पर क्या होता था पहले कैटैन बनता था याद है ना आपको सी एच थ्री सी एच थ्री तो इस स्टेप को उसने यूनिमोलिकुलर स्टेप कहा है यूनिमोलिक्यूलर ओके तो रेट डिपेंड जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कहलाती है मोलिकुलरिटी समझा और जिसके ऊपर रेट डिपेंड रहता है उनके पावर्स का एडिशन कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझा आपको ये डिफरेंस राइट right?